मैंने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसके लिए रखा है क्योंकि कल आज लास्ट डे है इलेक्शन का, कैंपेन का। थोड़े घंटे के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कोड ऑफ कंडक्ट लागू होगा, हम प्रचार नहीं कर सकते। तो पीपरा मोथा पार्टी के थ्रू एज अ फाउंडर मेंबर, क्योंकि हमारे सब लीडर्स ग्राउंड में आज भी प्रचार कर रहे हैं, मैं आम जनता को, हमारे लोगों को ग्राउंड में सबसे पहले अपील करना चाहता हूँ कि काइंडली 26 तारीख को जो ईस्ट त्रिपुरा से है, आप लोग सवेरे सवेरे निकलिए और जाकर वोट दीजिए। मुझे मालूम है कि त्रिपुरा में गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसी के लिए जितना जल्दी निकल सकते हैं जब धूप इतना ना हो, आप जाइए और अपना फ्रेंचाइज को वोट कीजिए। ये डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में आपका अधिकार बनता है, आपका वोट है। मैं ये नहीं बोलूँगा किसके लिए वोट करना है आपको, आप सब ज़्यादा जानते हैं, लेकिन मैं आपको ज़रूर बोलूँगा कि आपका अधिकार, आपका वोट है और ये आपको एक मौका मिला है। प्लीज़ गो आउट एंड वोट फॉर योर चॉइस ऑफ पार्टी कैंडिडेट, वो आपके ऊपर है। सेकेंड चीज़ है कि मैं इलेक्शन कमीशन को भी एक रिक्वेस्ट देना चाहता हूँ, क्योंकि त्रिपुरा में इतना गर्मी है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ हीट वेव, तो हमारे जो वोटर्स हैं, कोई भी पार्टी से हो, कोई भी सपोर्टर हो, उनके लिए पानी का व्यवस्था हर पोलिंग बूथ में किया जाए, क्योंकि इतने गर्मी में लोगों को बाहर निकल कर लाइन में खड़ा रहना बहुत मुश्किल रहता है। तो इलेक्शन कमीशन को भी पानी का व्यवस्था हर पोलिंग बूथ में करना चाहिए, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। फाइनली आई अपील टू एवरीवन दैट ये जो इलेक्शन हो, शांति से हो और अच्छे तरीके से हो। डेमोक्रेसी में हम सबको एक अधिकार बनता है, कोई भी पार्टी हो, उसको उसमें वोट देने के लिए। एंड आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन एंड आई अपील फॉर पीस सो दैट देयर इज़ नो वायलेंस, नो फाइट। इलेक्शन के बाद हम सबको एक ही परिवार बनके, एक छोटा स्टेट है त्रिपुरा, हम सबको एक संग ही काम करना है। चुनाव का कैंपेनिंग का पीरियड ख़त्म हो गया है, होने वाला है, तो मैं अपील करता हूँ कि इलेक्शन में शांति से आप लोग अपना फ्रेंचाइज एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अगर दोहा समाज को एक रहना है तो एक दूसरे से झगड़ के कुछ नहीं मिलेगा। झगड़ने से देश ही कमज़ोर होता है, दोहा ही कमज़ोर होता है, कम्युनिटीज़ ही कमज़ोर होते हैं। तो मैं इसके लिए अपील करता हूँ कि ये पूरा जो प्रोसेस हो शांति से, बस यही मिलेगा। थैंक यू। बहुत लोग जो वोट बॉयकॉट करने के लिए बोल रहे हैं, उनका रीज़न भी जेन्यून है। लोग पॉलिटिकल सिस्टम से थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हैं, क्योंकि 75 साल से हाईएस्ट वोटिंग टर्नआउट त्रिपुरा में ही हो रहा है, लेकिन डेवलपमेंट में ट्राइबल एरियाज में हमारा कम हो रहा है। तो इसमें अगर मीडिया भी अगरतला से थोड़ा सा कम प्यार करे और थोड़ा सा गांव में भी जाए, तो आप लोग यही प्रॉब्लम, यही सवाल मिस्टर मानिक सरकार को भी पूछ सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। 25 साल तक आपने मानिक, 20 साल तक आपने मानिक सरकार को त्रिपुरा का सबसे गरीब चीफ मिनिस्टर बना कर दिया, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया कि तिपरासा एरियाज़ में क्या प्रॉब्लम था। मार्केटिंग हुआ ना यहाँ, तो आप लोग भी यही सवाल, जैसा आज आपने मुझसे पूछा है, मानिक बाबू से पूछते कि सिमना में, थालचरा में, गंदतीसा में, भगीरथ में, कितने एरियाज़ में आज भी पानी का समस्या है, वो 20 साल तक आपने क्यों नहीं एड्रेस किया। तो ये बात है, तो जो उनका प्रॉब्लम है, आपका क्वेश्चन है, इट्स ए जेन्युइन प्रॉब्लम और आई थिंक दैट वी हैव टू एड्रेस इट। और मैं उनको अपील करता हूँ, अगर आपको लगता है कि वोट बॉयकॉट करने से कुछ मिलेगा, तो ये आपका राइट है, नोटा भी आपका राइट है, लेकिन जितना भी हो सके मैं दिल से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, बस मैं यही कहता हूं। बाबा, इस बारे में सीपीएम का जो ऑपरेशन लीडर है उसे जब सवाल किया गया तो बोल रहा था कि ये प्रॉब्लम पिछले 25 साल का नहीं है, ये प्रॉब्लम पिछले 4-5 साल का प्रॉब्लम है। अच्छा। एडीसी गवर्नमेंट एरिया की प्रॉब्लम है ये। तो 2018 का पहले राम राज्य चल रहा था त्रिपुरा में,
हम रावण हैं, मानिक बाबू राम था, बस ठीक है। आप मीडिया है, यू आर अ इंटेलिजेंट लेडी, यू नो दैट दिस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ 5 ईयर्स और 25 ईयर्स, दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ 75 ईयर्स, एंड इसको ख़त्म करने के लिए एक टाइम लगेगा। मैं अभी आज ईस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन आपको शायद वेस्ट से ज़्यादा प्यार है, तो मैं बोल देता हूँ वे इसके बाद में। मैंने आज ही अपना टीम को भेज दिया है, और उनका जो भी समस्या है कि वेस्ट का तो इलेक्शन ख़त्म हो चुका है, तभी भी आई विल पर्सनली मेक श्योर दैट वहाँ में उनका समस्या का हल हो। उनका कंप्लेन मुझे मालूम है, मैं उसको सॉल्व करूँगा। आपका क्या सजेशन है? नहीं, आप सजेशन दीजिए। मैं बोल रहा ना, मैं जाऊंगा, मैं खुद उसका सॉल्व करूंगा। अगर आपके पास और अच्छा सजेशन है कि मैं तब बस सजेशन के लिए नहीं आया ना, हाँ तो मैं भी आपको जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब भी दे रहा हूँ। अगर आपका सजेशन है तो अच्छा है, मैं और कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको जवाब दे रहा हूँ कि मैं वो प्रॉब्लम का भी समस्या का प्रॉब्लम का सॉल्व करूँगा। I am hopeful because Amit Shah himself in Kumarghat and in the agreement and before the agreement also, the Home Minister has assured that there will be funds which will be given to us in proportion to our population. Wherever the state cannot meet the demand, the centre will intervene. So I am hopeful that they will do something. Let's wait and see. I have not become silent. I will, whenever there is injustice, wherever there is disproportion, I will always speak out. I am not here to keep quiet and say everything is fine. Everything is not fine. Work has to be done. We are not living in a utopian era. We have to work. We have to work every day. आपने सिमना के बारे में बात किया, मैं आपको और 200 गांव दिखा दूंगा जो सिमना से भी खराब है, लेकिन इसके लिए काम करना पड़ेगा, और इसके लिए मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। मुझे थोड़ा शस्त्र चाहिए, हमें थोड़ा फंड्स चाहिए, और काम करेंगे, लेकिन फंड्स आना पड़ेगा। इसके लिए मैंने, अमित शाह ने भी ये बात कुमारघाट में सबके सामने बोला, उससे पहले मुझसे भी बात हुई है, वही बात उन्होंने कहा। परमानेंट सोल्यूशन इज दैट द होल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट शुड गेट फंड्स which will make Agartala at power with Bangalore, Guwahati at power with Delhi, Dimapur or Kohima at power with Chennai, let's say Imphal at power with Hyderabad. When we become self-sustainable as states, then our people, whether it's Bengali or Tiprasa, don't have to go to Hyderabad and get jobs there. A husband does not have to, एक पति अपना बीवी को छोड़कर 5,000 किलोमीटर दूर में जाकर चौकीदार का नौकरी कर रहा है, वो करने का दरकार नहीं पड़ेगा। तो दैट इज़ द फाइनल सोल्यूशन, बट टिल वी रीच दैट वी हैव टू एटलीस्ट रेज दीज वॉइस। जस्ट बिकॉज वी आर इन गवर्नमेंट वी कीप साइलेंट इज नॉट राइट। आप एक बार मुझे पब्लिक नाउ में इन्वाइट कीजिए तिपरा लैंड के बारे डिबेट करने के लिए, उसमें मैं आपको अच्छा से जवाब दूंगा। इस त्रिपुरा के जैसे कि कांचनपुर एरिया में पिछले कैंपिंग से शुरू बाद में जब वहाँ का जीरो रिपोर्टिंग लिया गया, आप तो मेरे संग ही गए थे? नहीं, वो पहले पहले के बाद। हाँ, जो जीरो रिपोर्टिंग लिया गया था वहाँ के कुछ यूट्यूब चैनल्स में ये दिखाया गया है कि वहाँ के लोगों ने कहा कि पार्टी कोई भी हो, फ्लैग कोई भी हो, कलर कोई भी हो, ताचल बेस वोट देंगे। बोबा अगर आप खुद कांचनपुर में जाके कैंपिंग करके आया है, क्या फील हुआ, वहाँ का रिएक्शन कैसा था? देखिए, हमारे ब्रू लोग दे आर वेरी गुड पीपल, दे आर आर कम्युनिटी। आई लव माई ब्रू पीपल, आई हैव फॉट फॉर माई ब्रू रियांग पीपल, एवरीबडी नोज इट। जहाँ तक मुझे लगा, मैं सब लीडर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं अभी बोलूँगा तो कुछ कुछ को खराब लगेगा, मैं ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे ब्रू लीडरशिप में अब हमको नए नए यंग ब्रूज को
लाना पड़ेगा एंड मेक देम लीडर्स. जब तक एक पुराना जनरेशन ही हमारे ब्रू का कम्युनिटी का लीडर बन के रहेगा, उनको जो नया प्रॉब्लम्स जो हमारे यंगर जनरेशन को आ रहा है उनका सॉल्व नहीं होगा. तो उनका जो भी इश्यूज है, यूट्यूब का भी मैंने सुना है, लैंग्वेज में है, एक्चुअली उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन. और इसी के लिए मैं जब कंचनपुर भी गया था, मैंने देखा दे ऑल लव, आई लव देम, दे लव मी. देयर प्रॉब्लम इज दैट लीडरशिप में क्राइसिस है. और मैं चाहता हूँ कि अगले 2-3 साल के अंदर कुछ अच्छा यंग ब्रू लीडर्स, यूथ निकले, जो हमारे ब्रू को, हमारे दूसरे तिपरासा कम्युनिटीज़ को एक लेवल में लाकर रखे. जब तक गरीबी रहेगी, जब तक हमारा ब्रू का कंडीशन अच्छा नहीं रहेगा, तब तक फ्रस्ट्रेशन रहेगा. और जब फ्रस्ट्रेशन रहता है तो लोग बोलते हैं 2-3 चीज़. लेकिन अगर इसको सॉल्व करना है, इसके लिए मैंने आई अपील टू ऑल माय यंग ब्रू, दे मे बी इन तिपरा मोथा, दे मे बी इन CPM, कांग्रेस, दे मे बी इन YBA, अगर आप लोग ये 26 तारीख के बाद मुझे 4-5 अच्छे यूथ लीडर्स को दे देंगे, तो मैं उनको ग्रूम करके उनको वापस अपने ब्रू एरियाज में भेज कर मैं उनको ऐसा लीडर बनाऊँगा जो अगर 100 रुपये यहाँ से गया तो एटलीस्ट 95 रुपीज़ तो हमारे ब्रू के पास जाए. अगर 1 लाख गया तो 95,000 उनके पॉकेट में जाए. आजकल मुझे क्या लग रहा है कि बीच में ड्यू टू, किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन, ड्यू टू लैक ऑफ कम्युनिकेशन, पैसा ज़मीन तक ठीक से नहीं पहुँच रहा. कहीं में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है. मैं किसी को नहीं बोल रहा कि वो लोग ने गलत किया, लेकिन उनमें वो पुश करने का पुराने ज़माने का एक थिंकिंग है. यूथ आएगा तो एक अच्छा चांस मिलेगा और वो डेवलप करेगा. सो आई थिंक दैट इज़ द इशू. एंड आई थिंक दैट अगर ये एड्रेस करेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, पॉलिटिकल राइट्स चाहिए एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन चाहिए, वो मिलेगा. अच्छा भूपेंद्र, जो एक्ट हुआ था जो ब्रो के साथ, आप भी थी तब, जो एक्ट हुआ था उस वक्त उन लोगों को जो फैसिलिटी देने का वादा जो किया गया था, वो फैसिलिटी क्या वो लोग अभी मिल रहा है? नहीं, मुझे फ्रस्ट्रेशन किस वजह से हो सकता, मुझे लगता है. नहीं, आपका अच्छा क्वेश्चन है. मैं कल गया था हम्पी में, अमरपुर में, रायमा वैली में. वहाँ में देखा तो वहाँ में हर घर के सामने एक वाटर टैंक था, सोलर लैम्प था. घर भी जो बनाया गया है वो रोड में बनाया गया है, तो जो एक्सेसिबिलिटी है वो था. जब मैं दसदा गया, घसीराम पारा गया, तो मुझे लगा कि जो पैसा ठीक से और अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए. तो इसमें मैं कोई का नाम नहीं ले रहा हूँ, लीडर का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन कभी कभी हमारे लीडर्स लोग ब्रू के जब SDM से मिलते हैं, DM से मिलते हैं, तो डर डर के बोलते हैं कि सर हेल्प करो. थोड़ा सा हिम्मत दिखाते जाके फाइट करना पड़ेगा. और वही बात मैंने अपने कंचनपुर में अपने EM और MLA को बोला, आपको आपका कम्युनिटी के बारे, अपने ब्रू के बारे बात करना चाहिए. आपको डर डर के DM, SDM ऑफिसर के सामने जाकर रिक्वेस्ट करने का कोई दरकार नहीं है. आपको पब्लिक ने चुना है, आप थोड़ा निडर होकर जाके बात करो. इसी के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इफ़ यू कैन गेट यंगर जनरेशन लीडर्स, YBA में हो, BSCO में हो, जो भी हो, जो भी NGO में, अगर ऐसे करके 4-5 लीडर्स, अगर अच्छे लीडर्स हमको दे दिया गया, तो मैं उनको ग्रूम करके उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस डालकर उनको बोलूँगा जाकर अपने अधिकार के लिए डिमांड करो. कोई शर्म का बात नहीं है. अगर इतना रुपया आया है तो और रुपया आना चाहिए. जब तक हम लोगों की सिचुएशन ठीक नहीं होगा और आना चाहिए. और लैंग्वेज हो, काउब्रू हो या कुछ और हो, उसमें भी आपका अधिकार है, आपको बोलना चाहिए, कोई आपको रोक नहीं सकता. ये मैंने बोला. सर কিছুক্ষণ আগে কংগ্রেস দলের তরফে একটি সাংবাদিক সম্মেলন করা হয়, সুদীপ রায় বাবু তিনি সাংবাদিক সম্মেলন করছিলেন. তিনি অভিযোগ করেছেন 2018-তে বিজেপি, যিনি বর্তমানে ইস্টের প্রার্থী, 2018-তে ছত্তিশগড়ে ওনার প্যান ডিটেলসের নাম ছিল কৃতি দেবী সিং. আর এবারে সেটা এফিডেভিটে জমা দেওয়া হয়েছে কৃতি দেবী দেববর্মণ, মানে দেববর্মণ কমিউনিটির ভোট এবং রাজবাড়ির সূত্র ধরে ভোট পাওয়ার জন্য এই কাজটা করেছেন উনি. কি বলবেন আপনি? आप कहाँ से, आप कहाँ से? इंडिया से. हिंदुस्तान का परंपरा क्या है? जब आपका शादी होता है
जब आपका माँ का भी आपके पिताजी के साथ शादी हुआ होगा तो उसने आपके पिताजी का सरनेम लिया, जब आपका ग्रैंड मदर भी होगा तो उन्होंने आपके ग्रैंड फादर के साथ शादी किया होगा, या कल आपका बहन अगर किसी और से शादी करता है तो वो अपना हस्बैंड का सरनेम लेता है, ये परंपरा है। इंदिरा गांधी का नाम क्या था सर आप मुझे? नहीं नहीं, आपको पूरा मैं आपको राम कथा सुनाता हूँ, ठीक है। इंदिरा गांधी का नाम क्या था? इंदिरा गांधी का नाम क्या था बिफोर शी मैरिड फिरोज गांधी? इंदिरा कौल या इंदिरा नेहरू? जब उनका शादी हुआ तब उनका हस्बैंड का नाम फिरोज गांधी था, तो इंदिरा गांधी तब इंदिरा गांधी बनी, उसके पहले तो इंदिरा नेहरू थी। हमारा बहुत आई रिस्पेक्ट सोनिया जी अलॉट, उन्होंने देश के लिए उसका हस्बैंड उनका मदर इन लॉ का भी देहांत, तो आई रिस्पेक्ट सोनिया गांधी अलॉट। बट बिफोर सोनिया गांधी ने राजीव गांधी के संग शादी किया था, विवाह किया था, तो उनका नाम सोनिया एंटोनियो माइनो था। जब उनका शादी राजीव गांधी के साथ हुआ तब वो सोनिया गांधी हुई, माइनो का टाइटल छोड़ा। तो भाई ये हिंदुस्तान में परंपरा है कि जब आप किसी से शादी करते हैं तो आपका हस्बैंड का नाम आप लेते हैं। यही बात शायद राहुल गांधी ने भी कभी एक मैंने देखा रैली में बोला था, ठीक। मेरा बहन पैदा हुई है तिपरा सा, उनका एसटी सर्टिफिकेट, पैदा होकर तो शादी नहीं हुआ, उनका नाम प्रीति देव बर्मन है। शादी के बाद जब उन्होंने किसी से शादी किया तो हस्बैंड का सरनेम लिया। अच्छा, कंचन प्रभा देवी, हम लोग रॉयल फैमिली में देवी सरनेम रखते हैं, मणिपुर में भी रखते हैं, पुराने फैमिली में अरुंधति देवी, ये हम लोगों का कल्चर है। लेकिन जब शादी होता है तो आप अपना सरनेम हस्बैंड का सरनेम लेते हैं। तो अभी जैसे कि प्रियंका गांधी, पब्लिक नाउ को मैं पब्लिकली कुछ बोल रहा हूँ, ठीक है, प्रियंका गांधी वड्रा, क्यों वड्रा लिख रहे हैं? क्योंकि उनका शादी रॉबर्ट वड्रा से हुआ है। तो यही चीज़ मेरे बहन ने किया है। दूसरा बात, आज लास्ट डे है इलेक्शन कैंपेन का, मैं सुदीप राय बर्मन को प्यार से बोलना चाहता हूँ, मेरे भाई इलेक्शन ख़त्म हो चुका है, आपने मुझे महाजन बोला, आपने सब कुछ बोला, मैंने आज बात भी किया सुदीप को, मैंने फ़ोन लगाया, इलेक्शन ख़त्म है। अब इलेक्शन ख़त्म होने के बाद मैं मीडिया को भी एक बात बोलना चाह रहा हूँ, आप लोगों और कोई मनोरंजन साउंड बाइट्स नहीं मिलेगा। आप लोग अपना आपको इतना सीरियसली लेते हो। मैंने आज सुदीप से बात किया, मैंने उसको बोला ब्रदर हाउ आर यू, लाइक गुड फाइन ब्रदर, हम लोग अच्छे से बात करते हैं, आपको लगता है कि हम लोग फाइट कर रहे हैं। मेरा फाइट, मैं आज ओपनली बोलता हूँ, पब्लिक नाउ को स्पेशली बोलता हूँ, आप कितना प्रचार कर रहे हैं आपका आज, हाँ ब्रदर, पब्लिक नाउ को मैं बोलना चाहता हूँ, मेरा फाइट CPM से है और ईस्ट त्रिपुरा में मेरा फाइट CPM के साथ। बस कांग्रेस के लिए आज भी मेरे दिल में थोड़ा सा प्यार है, इसके लिए मेरे कैंपेन में मैंने राहुल गांधी हो, प्रियंका जी हो, सोनिया गांधी हो, उनके खिलाफ कुछ नहीं बोला। मेरा फाइट CPM के साथ है। मैं जानता हूँ कि मेरे बहुत अच्छे लीडर बिरजीत सिन्हा, बिरजीत बाबू को जान से मारने वाले थे CPM के वर्कर्स लोग, और बिरजीत बाबू का उस टाइम शूटिंग में एक आदमी मारा भी गया, बिरजीत बाबू के खिलाफ केस फाइल किया गया, उनको हत्या के ऊपर अक्यूज़ किया गया। बिरजीत बाबू अगर उस दिन उस जगह में रहते, ये दो आज से 15-20 साल का पुराना बात है, तो बिरजीत बाबू को काट देते CPM के वर्कर्स। आज वही बिरजीत सिन्हा कैलाश शहर में जाके CPM को वोट देगा, मीडिया को बोलेगा कि मैं वोट दूंगा, लेकिन EVM के सामने मैं जानता हूं कि बिरजीत बाबू नोटा देगा। मानिक सरकार अभी आपके सामने बोलेगा कि मैंने कांग्रेस को वोट दिया, मैं जानता हूं दिल में मानिक बाबू तो आपके सामने नहीं बोल सकता कि मैंने नोटा दिया, लेकिन वो नोटा दे रहा है। और मैं खुद, मैं जब देखता हूं कि सुदीप बहुत अच्छा कलाकार आदमी है, आई लव सुदीप, इज अ ग्रेट गुड फन, अभी आप इसको भी कोट कर लीजिए, और सुदीप और मैं 26 तारीख के बाद मैं उसके घर में जाके चाय पीऊँगा, या अगर या फिर मैं उनके घर में जाऊँगा या वो मेरे घर में आएगा,
हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे उसने भी 30 साल सीपीएम के संग फाइट किया, मैंने भी जिंदगी भर तक सीपीएम के संग फाइट किया। तो ये जो अलायंस है ये एंटी सीपीएम का है, इसमें आप ज़्यादा सीरियसली मत लें। और 26 तारीख को मैं क्लियरली बोल रहा हूँ कि वोट एंटी सीपीएम का होगा ईस्ट त्रिपुरा में। और इसके लिए मुझे किसी से अपील भी करने का दरकार नहीं है। मैं जानता हूँ कि सबने सीपीएम का शासन देखा है, कांग्रेस ने सीपीएम का शासन देखा है, वो भी मुख से तो सीपीएम का झंडा उठाएंगे, दिल से सीपीएम के पक्ष में वोट नहीं करेंगे।